हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेस्ट बुक डॉट कॉम माई नो मिस तिवारी एंड होप यूडिंग वेल सो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का और वेलकम करता हूं मैं आज के इस सेशन में गाइस सभी का सो गोज दोस्तों आज है फोर्टीन फैब चौदह फरवरी युवाओं के जीवन का सबसे बेहतरीन दिन और काफी युवा आज जो उसमें घूम रहे होंगे लेकिन हम लोग अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे है ना और आज के इस जोशीले दिवस पर आप मेरे साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने जाएंगे डबल एटीसी के लिए ठीक है यस आयु जी नमस्कार जय बजरंग बली सभी का स्वागत सभी को नमस्कार सभी को जय श्री कृष्ण सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन में हाँ पुलवामा अटैक बिल्कुल आज ही के दिन हुआ था ठीक है बिल्कुल वो भी है चलिए दोस्तों सो so, शुरू किया जाए आज का ये सेशन है ना आयु की ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एवरीथिंग इज फाइन चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को और आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ टोटल अराउंड 60 क्वेश्चन ठीक है टोटल 60 क्वेश्चन है आपके और इन सभी के जो पी है वो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और मेक श्योर की जितने लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है वो उसको जरूर ज्वाइन कर लें बस आपको जाना है सर्च करना है एट द रेट टेक्स्ट बुक करके और इसको ज्वाइन कर लेना है दोस्तों ठीक है तो ये बिल्कुल एकदम ज्वाइन कर लीजिए और अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बहुत जरूरी है है ना और बाकी इस समय चल रही है दोस्तों सिलेक्शन से प्यार सेल है ना तो बेहतरीन सेल है टेक्सट बुक की तरफ से ये याद रखेगा और आपको अपनी सिलेक्शन से ही प्यार लेना करना है अपने भविष्य अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए और आप इस डिस्काउंट को पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं यस दैट इज़ आ एस एच आई वी कैटी और अगर आप इसका यूज करते हैं तो नाइन्टी परसेंट प्लस का डिस्काउंट मिल जाता है और आपको साथ में ये जो डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए अप्लीकेबल है तो आप यूज करें कूपन कोड को और आज ही इनरोल कर लें इस कोर्स के लिए दोस्तों ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की और मास्टर क्लास डेली होती है आपके मंडे टू फ्राइडे थ्री पी पर तो टेस्ट बुक एप्लीकेशन पर डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्री पी पर जो भी कैंडिडेट टॉप आता है उसके लिए बेहतरीन अमेजिंग प्राइजेस हैं ठीक है थीके? तो इन सभी को ज्वाइन करिए और बेहतरीन अवार्ड देती दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों ये रहा आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा करंट अफेयर एटलीस्ट अजय जी आ सकता है कम से कम छह से सात महीने का तो कम से कम छह से सात महीने का तो करंट अफेयर करके जाना है अब मान लीजिए इक्कीस फरवरी को आपका पेपर है। तो आप क्या करिए कि एटलीस्ट जो जुलाई अगस्त से जनवरी तक का एटलीस्ट कर लीजिए ठीक है जुलाई अगस्त से जनवरी तक का लेकिन बजट जरूर करके जाइए है ना बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बजट से रिलेटेड मुझे लगता है कि सवाल पूछे जा सकते हैं तो बजट के को बहुत अच्छे से करके जाना है अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले तो सेशन को लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर दो दोस्तों है ना अबसेंट नहीं रहना मैं देखता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट होते हैं इसमें भी संकोच करते हैं सेशन को लाइक और शेयर करने में भी ठीक है तो ये तो एटलीस्ट करना ही करना है चलिए आंसर आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं देख लेते हैं कि हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सो so दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है सभी को मालूम है कि जब वाल्मीकि की हम लोग बात करते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है एक ही जगह पर और वो कौन सा है आपका बिहार ठीक है तो ये स्थित है आपके बिहार में मध्य प्रदेश में आपके बारह नेशनल पार्क है सभी को मालूम है है ना अरुणाचल प्रदेश में जो आप पढ़ते हो उसका नाम क्या है नाम दम्फा तो जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वो नाम दम्फा है और उत्तराखंड में आप बहुत देखते हो जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हो राजा जी नेशनल पार्क के बारे में भी आप देखते हो ठीक है राजा जी नेशनल पार्क के अलावा दूसरा आप वैली ऑफ फ्लावर के बारे में देखते हैं ठीक है तो नंदा देवी के बारे में देखते हैं ये सब आपके उत्तराखंड में स्थित है ठीक है अगला सवाल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बजट समझ नहीं आता आता आयु सी उसके लिए देखो क्या करना होगा तो आप ऑलरेडी जो हमारे गौरव सर है उन्होंने बजट पर सेशन लिए होंगे या फिर हमारे जो पुष्पक सर है उन्होंने बजट पर सेशन लिए होंगे तो आप उनके सेशन देख सकते हैं ठीक है यस तो दोस्तों तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हाँ वो सफिशियंट हो जाएगा अगर आप शुरुआत से देखेंगे ना तो अभी तक एटलीस्ट हम लोगों ने अभी तक एटलीस्ट हम लोगों ने कम से कम सेवेंटी के आसपास सेशन कवर किए हैं ठीक है जरा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा विच वन इज करेक्ट अगला सवाल देख लीजिएगा अभी होप की ऑडियो क्लियर होगा हाँ अभी क्लियर है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाइकली टू भी ले, लेवीड इन, इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ तो इसमें से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे होप की नाव वॉइस इज ओके है ना अभी वॉइस क्लियर है पूछा गया है कि जीवीए होगा क्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स आपने पढ़ा होगा वैट के बारे में सुना होगा कंजम्पशन टैक्स के बारे में सुना होगा और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो डेस्टिनेशन बेस्ड जो टैक्स है एक्चुअली में ये आपके किस में आता है जीएसटी का ही पार्ट है जो जीएसटी होता है ना जीएसटी को हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं और इसमें आपने एक टर्म सुना होगा ई वे बिल के बारे में ठीक है आपने एक इसमें टर्म सुना होगा कौन सा ई वे बिल किसके बारे में सुना आपने वे e बिल के बारे में ठीक है तो ये इससे जुड़ा हुआ है ई वे बिल चलिए अगला सवाल देख लेते हैं तो इसका जो राइट आंसर बहुत सारे लोग सही बिल्कुल दे रहे हैं दोस्तों ठीक है दैट इज इज द राइट आंसर ठीक है ग्रॉस वैल्यू टैक्स ठीक है ग्रॉस वैल्यू टैक्स इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अफ्रीकन कंटिनेंट इज नॉट बाय सहारा डेजर्ट मतलब जब भी आप क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट को एक जगह से लोड करके आप किसी दूसरे जगह पर लेकर के जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है एक एक रिसिप्ट को मेंटेन करना पड़ता है जो आपको चेक पोस्ट वगैरह पे दिखाना पड़ता है अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको पैसे दे करके निकलना पड़ेगा ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान की सीमा द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता है और इसमें से अगर हम लोग सही टिक करने जाएंगे तो ये है दोस्तों सेनेगल इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट अगला सवाल देखिएगा जरा क्या पूछा गया है कि द रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विलोइ शिवम एक बार क्या करिए अपना क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा आई होप की मेरे साइड से क्वालिटी ठीक है इसका कोई इश्यू नहीं है आप फोर एट्टी पर अगर देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कोई इश्यू नहीं होगा तो इसको फोर एट्टी पर कर लीजिएगा अपना पिक्सल इंक्रीज कर लीजिए सो so, दोस्तों पूछा गया है कि जो नेवी में कैप्टन का पद होता है है ना भारतीय नौसेना के कैप्टन का पद किसके समान होता है और ये होता है आपके किसके ग्रुप कैप्टन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तो आपने पढ़ा होगा जो हमारे कैप्टन अभी क्या नाम था उनका भाई हम लोग में इसका नाम भूल गया बहुत ये तो बहुत गलत बात है ग्रुप कैप्टन क्या थे जिनका अभी हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन जी अभी आपने सुना होगा अभिनंदन जी के बारे में पढ़ा होगा तो अभिनंदन जी पहले जो थे वो विंग कमांडर थे

और कैमो सिंथेसिस प्रोसेस है या फिर हाइड्रोलिस प्रोसेस है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आप किस ऑप्शन पे टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है विच ऑप्शन इज द राइट आंसर नहीं नहीं वो आपके पुलवामा से जुड़े हुए हाँ वो, उस समय वो एयर स्ट्राइक वगैरह हुई थी तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जुड़े हुए ठीक है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अ फोटो कैमिकल प्रोसेस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना मूविंग अड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि किस नदी के तट पर काठमांडू जो है नगर स्थित है बागमती है विष्णुमती है सप्तकोशी है एवं शन कोशी है अरुण होप की आंसर पहले दो ऑप्शन में ही छिपा हुआ है काठमांडू से काठमांडू आप सभी जानते हैं कि कैपिटल ऑफ नेपाल है ठीक है दैट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल तो ये नेपाल की कैपिटल है और नेपाल की कैपिटल के अलावा हम लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर भी देखते हैं किसका सार्क का तो सार्क का हेडक्वार्टर भी है ठीक है तो इसमें से हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट बागमती एंड विष्णुमती इज द करेक्ट ऑप्शन अगले सवाल पे चलिए दो, दोस्तों पूछा जा रहा है कि एलुवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ तो एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे हुआ अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत में जो सबसे बड़ा एरिया कवर करती है वो एलुवियल सॉइल ही है यानी कि अगर हम लोग मैक्सिमम एरिया की बात करने जाएं तो जो सबसे बड़ा एरिया कवर किया जाता है 40 से लेकर के 42 परसेंट तक वो इसी के द्वारा ही कवर किया जाता है तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पूरा एरिया यानी कि सिंधु नदी का मैदानी भाग पंजाब और ये वाला क्षेत्र दोस्तों है ना दूसरा ये आपका गंगा नदी और यमुना नदी का मैदानी भाग है और दूसरा ये वाला भाग ठीक है जो आसाम वाला एरिया आता है ठीक है ब्रह्मपुत्र वाला तो ये पूरा का पूरा इसी के द्वारा कवर किया गया है और अब इसका निर्माण कैसे हुआ होगा ये कौन सा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन पहले समझ तो लीजिए कि आंसर कैसे करना है भाई आपकी एलुअल मिट्टी पाई कहां जाती है पाई जाती है आपके उत्तरी मैदानी भाग में और इस उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ होगा ये जो पहाड़ से आपका जो भी टिके हुआ उसके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया ना तो जो पहाड़ी क्षेत्र है आपके हिमालय वाला रीजन उससे जो टिके हुआ उससे नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ होगा अब इससे टिके क्या हुआ गा? जो नदियों ने डेबरेस या सेडिमेंट आपके ऊपरी पहाड़ी भाग से लेकर के नीचे आए होंगे उसी से इसका निर्माण हुआ होगा अगर ये नदियों के द्वारा पहाड़ी भाग से सेडिमेंट्स को ला करके ठीक है ये किया गया इसका निर्माण तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों आपका कीचड़ भी मिलेगा बालू भी मिलेगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा एलुवियम तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर बहुत कॉमन सी बात है आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बास बास स्ट्रेट इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज इज फेमस फॉर तो की जो जल संधि है है ये किसके लिए लिए प्रसिद्ध वन राइट कोल के पेट्रोलियम के लिए यूरेनियम के लिए तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अभी आपको मालूम है कि एक टूर्नामेंट भी चल रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट उसका नाम क्या है मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ उसका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये क्या है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है क्या मे बी इस समय जो ट्रॉफी चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और इस समय जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा एक साइक्लोन आया है जिसका नाम क्या है गैब्रियल तो अभी इस देश ने हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो यहाँ पे एक साइक्लोन अभी हाल ही में हिट किया है करंट अफेयर का पार्ट जरूर पढ़ के जाइएगा गैब्रियल ठीक है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो बास स्ट्रेट है पास जलडमरू मध्य ये याद रखी का पेट्रोलियम तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ठीक है 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 चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसे मुख्यता वायुमंडल के किस पार्ट में पाई जाती है विच वन इज राइट यस अजय आकाश आयुसी प्रदीप सोनाली रिंकू श्रद्धा अरविंद प्रिया डॉली वेरी गुड गाइस ठीक है थोड़ा स्पीड बढ़ाई आंसर करने की और सेशन को लाइक करके अटेंडेंस जरूर मार्क करते हैं दोस्तों सभी लोग है ना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर हैं तो इसमें से देखो बहुत कॉमन सी बात है ये सब किस में पाए जाते हैं स्पेस हमारा जो स्पेस है वो सब इसी से मिलकर के ही बना है अच्छा अब स्पेस से टच कौन सा होता है तो स्पेस से जो टच होती है हमारी लेयर वो कौन सी है एक्जोस्पियर एक्जस्पियर के बाद जो शुरू होता है वो क्या हो जाता है स्पेस आपका टेम्परेचर लगातार बढ़ता है जहां पर हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं समझ में आ गया तो देखो इसमें गलती कैसे करते हैं तो है है ना? है ना? है। है सब कुछ मिलेगा तो नाइट्रोजन आपकी लगभग सेवेंटी एट परसेंट मिल जाएगी नाइनटी परसेंट जो गैसों का घनत्व तो मिलता है आपका याद रखिएगा जो नाइनटी प्लस गैसों का घनत्व तो होता है वो तो ट्रोपो में ही होता है ना नाइन्टी से ज्यादा गैसेस होती है ठीक है तो ये जो राइट right आंसर है वो कौन सा है आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर के बाद किसकी शुरुआत शुरुआत होती होती है होती है स्पेस स्पेस की और में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या है आपके हाइड्रोजन और हीलियम दैट इज वेरी सिंपल ठीक है दैट इज वेरी सिंपल देखो हो, होता क्या है लाइफ में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी मत छोड़िए अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्सेप्ट पर ही बने रहिए है कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बाहर मत जाइए और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यस आज है आपका सिलेक्शन से प्यार ठीक है ये बचपन का प्यार नहीं है ये है सिलेक्शन से प्यार का आखिरी दिन और आप इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए दोस्तों तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑल का बेल आइकन दबा दो सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कोर्सेज सभी और जो भी प्लेलिस्ट वगैरह हैं तो आप देखेंगे कि ये है आपका सुपर कोचिंग कोर्स और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों जो कोर्सेज हैं फिजिक्स है केमिस्ट्री है, है मतलब सारे जो फिजिक्स है दोस्तों आपका ठीक है मैथमेटिक्स है सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं तो आप इन कोर्सेज को बिल्कुल बेझक होकर के इनरोल कर सकते हैं और जब भी इन करने जाएँ तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें और कूपन कोड यूज करना है दोस्तों दैट इज़ आई यस एच आई वी के टी और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट ठीक है तो वन मंथ का है और फोर मंथ का है एट मंथ का है और सिक्सटीन मंथ का है डिपेंड ऑन यू कि आप किस को इनरोल करना चाहते हो दोस्तों ठीक है चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा और जरा बताइएगा कि इनमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि एन जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्लांट है इज नॉट गैस बेस्ड तो निम्नलिखित में से कौन सा एन का प्लांट है जो गैस बेस्ड नहीं है डोंग को रिप्लेस करना है बट एक्चुअली डोंग का खौफ इतना ज़्यादा है कि उसके जगह गब्बर आने को तैयार ही नहीं है वो बोलता है कि डोंग ही सीनियर है और उन्हीं को ही रहने दीजिए ठीक है कालिया वाला लेके आ जाते हैं बिल्कुल है क्वेश्चन <laughs> so, का जो करेक्ट आंसर है इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ टांडा इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट है अगला सवाल है क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है देखो ये एग्जाम में हंड्रेड आता है अब इसका रिश्ता आपको मालूम है कि, कि किस तरीके से जुड़ा हुआ है आपको हर एक सवाल का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा नाइनटीन में आपका शुरुआत हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है अंग्रेजों के सामने मुसीबत आई और अंग्रेजों के सामने जब जब मुसीबत आई उन्होंने भारतीयों से दोस्ती करने का प्रयास किया और बोला कि हम तो आपके भाई हैं और हम आपको भविष्य में बहुत अच्छे दिन दिखाएंगे है ना तो आपने पढ़ा होगा एक कैरेटिस्टिक पॉलिसी होती है कि इंसान को गाजर दिखा करके मूर्ख बना दो तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अगस्त ऑफर दे दिया कि आप हमारे साथ मिल जाओ और हम सब लोग मिल करके जो भी जर्मनी और ये जापान वगैरह है इनके खिलाफ लड़ेंगे है ना तो छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी और इन्होंने दे दिया एक अगस्त ऑफर ठीक है कि नए दौर में लिख देंगे हम कल की नई कहानी अब ये जो दिया था ये दिया था लॉर्ड लिनलिथ को कि भाई साहब आप हमारे साथ शामिल हो जाओ और आपका डेमोक्रेटिक कंट्रीज का वो देना है सपोर्ट इसी को लेकर के आपको मालूम है कि भारत में कौन आ जाता है क्रिप्स मिशन तो ये भी चले आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा और झूठे वादे दिखा करके भारतीयों को वापस आ जाऊंगा लेकिन ये बाद में क्या हो गया फेल हो गया तो जब ये फेल्ड हो जाता है तो उसी के रिजल्ट के तौर पर महात्मा गांधी एक आंदोलन शुरू कर देते हैं जिसका नाम होता है हा रख यानी कि कि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन और और डू डाई का नारा दिया गया करो या मरो है ना करो या मरो का नारा दिया गया दोस्तों ठीक है तो इस क्वेश्चन uh, का जो राइट right आंसर है आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज द फर्स्ट अमेरिकन तो निम्नलिखित में से किस फर्स्ट अमेरिकन के रूप में जाना जाता है विलियम कैंपवेल है जॉर्ज वाशिंगटन है आइसक न्यूटन है बेंजामिन फ्रैंकलिन है विच वन इज द राइट आंसर ठीक है बिल्कुल वेरी, वेरी गुड वेरी गुड तो विलियम विलियम कैंपवेल हैं जॉर्ज वाशिंगटन हैं आइसैक न्यूटन हैं या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन फॉर इज द राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द वेरियस डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर द विजयनगर एम्पायर विजयनगर साम्राज्य पर राज करने वाले विभिन्न राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है तो इसमें संगम तुलुव है अ, सुलूव अर्वेडू है जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा देखो दोस्तों संगम डायनेस्टी अगर आप देखने जाएंगे इसकी ना तो ये जो विजयनगर नगर एम्पायर है तौर से विजय नगर जिस नगर की शुरुआत ही विजय से हुई हो तो हरिहर बुक्का ने इसको स्थापित किया 1336 और लगभग ये 1565 से डेकलाइन होना शुरू हो जाता है एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है राक्षस तंगड़ी युद्ध आपने पढ़ा होगा दोस्तों ठीक है अच्छा देखो जरा समझिएगा हाँ वेरी गुड हाँ देखो मोटिवेट करना जरूरी है है ना देखो जरा समझ अब इसमें आप चार डायनेस्टीज देखते हैं चार डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं एक आप पढ़ते हैं संगम तो जो हरियर और बुक्का थे उनके पिता का नाम क्या था संगम सोचिए जरा पिता का भी नाम था संगम है ना और उस संगम से हुए हरियर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की संगम संगम के बाद आती है दोस्तों सुलुआ डायनेस्टी सुलुआ डायनेस्टी के बाद आती है तुलु डायनेस्टी और तुलु डायनेस्टी के ही महान राजा हुए जिनका नाम था कृष्णदेव राय जिसको आप आंध्र भोजा आंध्र प्रताप के नाम से जानते हैं जिसने आठ महान विद्वानों को अपने राज दरबार में बिठा दिया था जिनको अष्ट दिग्गजा हम लोग बोलते थे ठीक है अष्ट दिग्गजा और इसके बाद एक और डायनेस्टी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अरुवेदू डायनेस्टी ठीक है अरुवेदू तो अरुवेद जो थी ये कौन सी थी फोर्थ डायनेस्टी थी दोस्तों ठीक है सो आई होप की ऑर्डर इज नाउ क्लियर संगम सुलू तुलू और अर्वेदू ठीक है तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर लेकिन रिश्तेदार होते हैं ना जो सबके जीवन को बर्बाद कर देते हैं तो एक बेचारा राजा राजा था इसमें जो एक कह सकते हैं कि वो मतलब पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं था है ना कृष्णदेव राय ये उसके बाद जो आता है क्या बोलते हैं मुझे नाम सदा शिवराया सदाशिवराया और अपने रिश्तेदारों में की चक, कहने के चक्कर में आ जाता है और युद्ध लड़ बैठता है जिसका नाम होता है राक्षस तंगड़ी या हट्टी बन्नी का युद्ध जिसमें जो पहमनी किंगडम थे सुल्तान थे ठीक है वो उसको बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं और फाइनली ये साम्राज्य डेक्लाइन होना शुरू हो जाता है ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश हिज एम्बेसीज अब्रॉड ठीक है सो इसका क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज द राइट आंसर संगम व क्या बात है क्या बात है सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है दोस्तों ठीक है हाँ तेनालीराम जो था वो याद रखिएगा ही वॉज द मेंबर ऑफ अष्ट दिग्गजा ऑफ कृष्ण देवराय तो कृष्ण देवराय ने जो अपने राज दरबार में आठ महान विद्वान बैठा रखे थे उन महान विद्वानों में एक व्यक्ति हो था, जो था जिसका नाम क्या था तेनालीराम ठीक है तो उस समय के जो राजा होते थे वो बहुत महान होते थे अपने आप कह सकते हैं कि आ, मतलब बुराई करने वालों को भी अपने राज दरबार में जगह देते थे है ना Uh, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज द राइट राइट आंसर ठीक है टीपू सुल्तान इज द करेक्ट ऑप्शन और आपको मालूम है टीपू सुल्तान 1799 में इसकी डेथ हुई और इसकी जो श्रीरंगपट्टनम जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी है ना श्री तो यही एक ऐसा सुल्तान रहता है जो विदेशी आप कह सकते हैं कि राजाओं के साथ कांटेक्ट करने का प्रयास करता है सो so दैट वो भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करा सके ठीक है और सिर्फ इतिहास में हम लोग एक ही इसी राजा के बारे में पढ़ते हैं वैसे अगर आप देखें तो आप मौर्य डायनेस्टी में कई राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने फॉरन अपने रिलेशन को बेहतर रखा लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आधुनिक भारत में तो टीपू सुल्तान ही एक ऐसा राजा था जो फॉरेन रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास करता है ठीक है अगला सवाल है कि वेर इज आर Is तो आर्यभट जो नक्षत्र शाला है भारत में वो कहां पर right? स्थित so, right है right? हाँ, अरिवेदु. नहीं, देखो, होता कैसा था कि एक्चुअली में जो डायनेस्टी आती है ना वो अरिवेद थी हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो अरिवेद डायनेस्टी आ जाती जा है जिसका नाम क्या होता है वॉडियार नहीं नहीं वॉडियार देखो ऐसी होती है पहले रहते हैं संगम फिर सुलूव फिर तुलुव फिर अरवेदू अरिवेदू के बाद आती है वॉडियार वाडियार के बाद आता है आपका हैदर अली फिर टीपू सुल्तान है ना और फिर टीपू सुल्तान के बाद फिर से आ जाती है वाडियार और बाद में जो वाडियार राजा होता है वो अंग्रेजों की सब्सिडी अलाइंस को स्वीकार कर लेता है अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन जाता है और इनडायरेक्टली मतलब अंग्रेजों का शासन मैसूर पे हो जा, आ जाता है ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज अप्शन फोर इज द राइट आंसर दैट इज अ रामपुर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर द रीजन ऑफ विच इंग्लिश वायसराय टू औरंगजेब तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अंग्रेजी वायसराय के शासनकाल वायस की तुलना औरंगजेब से की थी औरंगजेब तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा विच ऑप्शन इज द राइट आंसर हाँ बिल्कुल अब तो रजा कुछ ही समय आया हुआ था एक्चुअली uh, में uh, विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं क्योंकि इनके जो uh, पोर्तुगीज के साथ रिलेशन थे यूरोपियंस के साथ रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे और ये आप मान लीजिए कि कृष्णदेवा कि राय की ही मेहरबानी थी कि पोर्तुगीज गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से कैप्चर कर पाए अगर विजय कृष्णदेव राय हेल्प नहीं करते तो कभी भी पोर्तुगीज गोवा पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे तो आप ये मान सकते हैं आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय राजाओं ने भी यूरोपियंस की बहुत सी मदद की कि वो भारत पे अपने पैरों को अच्छे से जमा सके तो इसका राइट आंसर दरिजा करजन तो आपको मालूम है लॉर्ड करजन जिसने बंगाल पार्टीशन किया था और बंगाल पार्टीशन करने के लिए इसको किस से कंपेयर किया गया दोस्तों औरंगजेब से कंपेयर किया गया ठीक है औरंगजेब अगर देखा जाए तो इससे कई कदम आगे था है ना औरंगजेब इससे कई कदम आगे था चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी तो निम्नलिखित में से किस साइंटिस्ट को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं विच वन इज द राइट आंसर ठीक है right answer, तो पूछा गया है कि हर्बर्ट स्पेंसर <laughs> है अरिस्टोटल uh, है लेमार्क है या फिर डार्विन तो इनमें से आप किन ऑप्शन पे जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है सो दोस्तों जो अरस्तु है ना ये फादर माने जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी आप बोलते हैं इनको फादर बोलते हैं इनका किसका ऑफ बायोलॉजी है ना फादर ऑफ दोस्तों याद रखिएगा ये क्या भी है पॉलिटी भी है पॉलिटी भी है ठीक है कई बार इनके शिष्य का नाम पूछा जाता है कि इनके शिष्य का नाम क्या था और कई बार पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था तो आपने एक सीरीज पढ़ी होगी पूरी सुकरास प्लूटो है ना अरस्तु प्लूटो फिर आपने किसके बारे में सुना होगा सिकंदर के बारे में तो ये जो पूरी ना वो एक सीरीज है वो सीरीज आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले शुरुआत होती है किससे बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत होती है सोकर, से के बारे में हम लोग देखते हैं ठीक है शोक्रास के बाद फिर किसको पढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं आ, अरस्तु के बारे में प्लूटो के बारे में देखते हैं ठीक है और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में ठीक है तो ये इसके जो गुरु हैं और इसके जो शिष्य हैं दोनों के बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा ठीक है अगला सवाल देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर डिड लॉर्ड कैनिंग रीड क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन right uh, 1858. 1858, uh, आपको मालूम है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वॉयस राय थे तो इनको बहुत ही भारी मन से बोलना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और अब की बार राजा रानी की सरकार और वहां पर जो क्वीन विक्टोरिया होती है क्वीन विक्टोरिया याद रखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वीन विक्टोरिया प्रथम तो क्वीन विक्टोरिया प्रथम जो है यहाँ से शासन करना शुरू कर देती है पूछा गया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अलाहाबाद है मेरठ है आगरा है या लखनऊ तो ये जो पढ़ा जाता है ये कहाँ पर पढ़ा जाता है दोस्तों अलाहाबाद में ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो ये मैनिफेस्टो याद रखेगा अठारह का काफी इंपॉर्टेंट है और एक और होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रीटी आपको पढ़नी पड़ेगी साया आलम द्वितीय के साथ जो हुई थी सत्रह याद रखिएगा पैंसठ में ठीक है बक्सर के युद्ध के बाद ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया आलम आर हाँ शुरुआत में जितनी भी मूवीज बनती 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 थी वो सभी मतलब मूक फिल्म में हुआ करती थी जैसे राजा हरिश्चंद तो पहली मूक फिल्म ही रही होगी सिर्फ चित्र दिखाई देते थे और पहले के लोग इतने स्मार्ट थे पहले के लोग इतने समझदार थे तो वो मन की आंखों से करेक्टर क्या बोल रहा है हीरो हीरोइन क्या बोल रहे हैं ठीक है थीके? वो सब सुन लेते होंगे समझ लेते होंगे उसके बाद जो सबसे पहली अमूक फिल्म आई बोलने वाली फिल्म आई जिसका नाम था आलामारा ठीक है आपने सबके बारे में पढ़ा होगा पहली कलर्ड मूवी झांसी की रानी सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं ठीक है तो इसके डायरेक्टर कौन थे दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है ईरानी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा गया हु इन्वेंटेड द हुआ रेडियो तो रेडियो की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की एफ रेडियो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है जॉन बारबर है एडवियन uh, बियर्ड ठीक है बडिंग है या निकोलस कैलन है और इसमें से जो देखो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा पूछा जा रहा है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है ये आपके किस राज्य में स्थित है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन किए हुए हैं है ना लगभग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और स्टेटिक जीके में से बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ सो दैट अगर मान लीजिए कि दो तीन क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे इधर दर उधर हुए तो आप आसानी से कर ले जाए ये कौन है हमारे मिस्टर हनी कुशवाहा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ठीक है दैट ज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है ये आपका कहाँ पर है महाराष्ट्र में तो मेलघाट टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा और एक और मिल जाएगा आपको दोस्तों ताडोबा टाइगर रिजर्व ये यहाँ पे ही मिलेगा ताडोबा टाइगर रिजर्व है ना और दोस्तों आप इसमें काकरा पर जो है न्यूक्लियर तारापुर नॉट काकरा पर दैट इज अ तारापुर तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में भी आप पढ़ते हैं ठीक है आ, और जो नेहरू पोर्ट है जेएल नेहरू पोर्ट वो भी आपको Uh, यहाँ पे ही मिल जाएगा जे एन पोर्ट भी मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना तो ये जितने हैं सब आपके यहाँ पे ही लोकेटेड है uh, और आप कौन सा पढ़ते हो लोनार लेक भी देखते हो लोनार लेक है ना बाकी आपको वो तो मालूम है गुड़ी पाड़वा जो है वो सब फेस्टिवल्स वगैरह यहाँ के अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की अधिकतम संख्या है विच वन इज राइट वेरी गुड अंकुश तो इसका राइट आंसर क्या होगा मुंबई चेन्नई दिल्ली या पटना सबसे अधिक कहाँ पर मिलेंगे आपको तो जामा मस्जिद आपको कहाँ पे मिलेगी कुतुब मीनार कहाँ पे मिलेगी कुतल इस्लाम कहाँ पे मिल जाएगा है ना और जो आपका रेड फोर्ट है शाहजहां ने बनवाया था वो भी सब कहां पे मिलेंगे सीरी फोर्ट कहाँ पे मिल जाएगा हजार खंबा हौज खास अलाई दरवाजा तो मैक्सिमम मोन्यूमेंट्स आपको जो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं डाली में ठीक है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चाहे आपका वो दिल्ली सल्तनत का हो चाहे आपका मुगल आर्किटेक्चर हो ठीक है मोस्टली आपको दिल्ली में मिलेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि वाई वॉच डॉक्ट्राइन लैब्स यूज बाई द डलहौजी, तो डलहौजी पॉलिसी आपको मालूम होगा कि डलहौजी ने बहुत सारे वो लेकर के आया ये और इसने 1854 में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि 1848 में सबसे पहले इसने सतारा को कैप्चर किया और इस तरीके से टोटल सेवन प्रोविंस ने कैप्चर कर लिया ठीक है सात रियासत इसने एक नियम बनाया कि अगर किसी राजा रानी का दोस्तों ठीक है अगर किसी राजा रानी का हाँ लखनऊ में भी है बट लखनऊ को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई क्योंकि वो लखनऊ जहां दिल्ली को ज्यादा दिल्ली कैपिटल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई तो दोस्तों देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं कितनी प्रोविंस के बारे में सात प्रोविंस इसने हड़पी कि अगर किसी राजा रानी की मृत्यु मतलब किसी राजा रानी की कोई संतान नहीं होती है तो उनकी दोनों की मृत्यु के बाद उसका जो भी अंपायर होगा व ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन जाएगा वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं डलहौजी के राज झड़प नीति के तहत और ये जो था टू एन द स्टेट ऑफ झांसी ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर तो आप देखो बहुत सारे इसके कर्म आ, काम पड़ते हैं कि ये भारत में सबसे पहली जो ट्रेन आई इसी के समय आई जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम आया इसी समय के आया आपने पीडब्ल्यू के बारे में पढ़ा होगा वो भी इसी समय में आया एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया था डलहौजी के समय में ही आया फिर आप देखते हैं कि जो टेलीग्राफ लाइन थी वो भी डलहौजी के समय में आई दूसरा आपने पढ़ा होगा टेलीग्राफ लाइन के अलावा जो पोस्टल सुधार हुआ ठीक है पोस्टल रिफॉर्म भी हुआ भारत में वो इसी के समय में हुआ और इसने शिमला को कैपिटल बनाया समर कैपिटल ऑफ इंडिया ठीक है शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनाया ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ इंडिया के सभी बेहतरीन टीचर्स अनुभवी टीचर्स जिनके आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं साथ में मिल जाते हैं आपको डेली वन टू वन इंट्रैक्शन सेशन गाइड सेशन तो आप इन सभी के साथ जुड़ सकते हैं और इस समय चल रहा है सिलेक्शन uh, से प्यार सेल और जिसमें आपको अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में आपके कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों ठीक है अगला सवाल पूछा गया कि भारत का थ्री तारामंडल कौन सा है और कहां पर स्थित है ठीक है इंडिया फर्स्ट थ्री डी प्लानिटेरियम इज लोकेटेड हुए बेंगलुरु मंगलौर हैदराबाद या कोची विच वन इज राइट तो बेंगलुरु है मंगलौर है हैदराबाद है या फिर कोची है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दोस्तों दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्माइलिंग बुद्धा इज अ कोड नेम फॉर तो स्माइलिंग जो बुद्धा है वो किस चीज के लिए कोड नेम है इंडिया एज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट है ना इंडिया एज फर्स्ट अनमेड टैंक द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इसमें से सही आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ठीक है तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियर टेस्ट के अगर हम लोग बात करने जाएं तो दो हुए एक हुआ है 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय पर जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था ऑपरेशन शक्ति तो जो ऑपरेशन शक्ति था

तो जुलाई अगस्त से करना शुरू कर दीजिए जनवरी तक पूरा कवर कर लीजिएगा बजट भी साथ में पढ़ लीजिएगा है ना और विल ट्राई टू मेक सम मैराथन सेशन ऑन करंट अफेयर तो मैं करंट अफेयर पर कुछ मैराथन सेशन प्लान करता हूँ अगर पॉसिबल है तो और डेफिनेटली मैं प्रयास करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पांच छः महीने के वो आपको करा दूँ ठीक है सो दट दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर सिक्सटी ठीक है तो आप सभी को मालूम होता है कि नो मिनिमम एज नो मिनिमम एज दोस्तों मिनिमम एज इनके लिए परिभाषित नहीं होती फोर जजेस ऑफ अभी पूछा गया फोर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस के, के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है बट मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है अगर हम लोग मैक्सिमम एज की बात करने जाएं कि मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए किसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो है आपकी 65 फाइव ईयर्स और अगर कभी हाई कोर्ट के लिए पूछा गया तो मैक्सिमम एज कितनी है दैट इज आ सिक्सटी टू ईयर्स तो एज बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा दोस्तों ठीक है नहीं नहीं एग्जाम के बाद तो नहीं एग्जाम से पहले कवर करेंगे <laughs> एग्जाम के बाद कवर करके क्या मतलब ठीक है <laughs> एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा डोंट वरी एग्जाम से पहले ही कवर कराऊंगा यस yes. तो पूछा गया है कि द स्टॉक एक्सचेंज वॉज द फर्स्ट टू बी रिकोगनाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज राइट तो अहमदाबाद है बॉम्बे है मद्रास या कोलकाता और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज अ बॉम्बे इज द राइट आंसर ठीक है सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर दोस्तों हम लोग अपने इंडिया में दो पढ़ते हैं एक आप पढ़ते हैं बी एस और दूसरा पढ़ते हैं एनएससी एनएससी को आप निफ्टी भी कहते हैं और बी एस को आप क्या भी बोलते हैं सेंसेक्स भी बोलते हैं ठीक है दैट इज ऑल्सो नोन एज देंसेक्स तो एक की स्थापना है 1875 एशिया ओल्डेस्ट मार्केट है और एक का जो फंक्शन स्टार्ट है 1994 है दोनों की अगर आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे सो बोथ आर लोकेटेड एट मुंबई दोनों लोकेटेड पर है मुंबई में ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निम्नलिखित में से क्या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत प्रदान नहीं किया गया है इसमें से जरा बताइएगा कि राइट आंसर कौन होगा ठीक है सो दोस्तों डीपीएसपी की बात चल रही है डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट है आपका फोर्थ आर्टिकल है छत्तीस से लेकर के कहाँ तक इंक्यावन तक उसी से पूछा जा रहा है सो so, इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन फोर दैट इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ये आपके डीपीएसपी में अलोकेटेड नहीं है डीपीएसपी आप सभी जानते हैं दोस्तों डीपीएसपी आपके लिए गए हैं आयरलैंड से आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं ठीक है नॉन जस्टिसेबल होते हैं दोस्तों ठीक है हाँ बिल्कुल आपने एकदम सोने जैसी खरी बात बोल दी है सत्य बात बोलती है और सच बहुत कड़वा होता है लेकिन फिर भी देखो मुझे हंसी आई उस बात पे और मैं आपको डेफिनेटली कवर कराऊंगा एग्जाम से पहले कवर कराऊंगा ये मेरा प्रॉमिस है तो पूरे होते वादे हमारी टेगलाइन है अधूरे होते वादे नहीं है जो भी मैं प्रॉमिस करूंगा वो डेफिनेटली कराऊंगा डोंट वरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एल टी कम्युनिकेशन दोस्तों दोस्तों इस समय LTE का नाम आया इससे पहले नाम आ गया आपके प्रभाकरण जी का प्रभाकरण जी मैंने लगा दिया तो बुरा बुरा मत मानिएगा प्रभाकरण आई होप की आपको मालूम है लिट्टे से जुड़े हुए थे और जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उसमें माना जाता है प्रभाकरण इन्वॉल्व है तो अभी एक नेता ने घोषित किया हुआ है कि प्रभाकरण जो है वो जिंदा है जो राजीव गांधी की मृत्यु के लिए जो है जिम्मेदार था तो वो फिर से पर्सन इसमें न्यूज में आ गया है इस समय उनको उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा प्रभाकरण के बारे में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड दोस्तों जरा बताइएगा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है तो ये पड़ता है आपका कुछ यहाँ जगह पे पड़ेगा ये ये यहां पे पड़ेगा दोस्तों है ना यहाँ पे पड़ता है ये और ये है आपका ग्रीनलैंड देख पा रहे हैं मन की आंखों से देखो जरा कितनी मजबूत है हमारी मन की आंखें हम यहाँ पे हैं कहीं इंडिया में इतना ये छोटा सा भाग और फिर है आपका कौन सा ये फिर है आपका ये अफ्रीका यहाँ पे आ गया यूरोप और यूरोप के बाद यह आपका नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका तो ऐसे ही मजबूत आंखें रखनी है बिल्कुल आपने है ना तो ये दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास में ना? है ना देखिए मन की आंखों से ग्रीन लैंड दिख जाएगा दैट इज अ ग्रीन लैंड ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना थी अब इसमें आपने एक कमेटी के बारे में देखा होगा दोस्तों <laughs> मुंगेरी लाल मुंगेरी लाल एक कहावत बहुत प्रसिद्ध हो गई कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखो लेकिन यहाँ पर मुंगेरी लाल एक समिति थी फिर है राजमन्नार समिति संथानम समिति थुंगन समिति तो इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने दीजिएगा विच ऑप्शन इज राइट ठीक है Uh, इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज संथानम समिति इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियो क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरा जवल वायवी भूवैज्ञानिक सूचकांक नहीं है इस क्वेश्चन का जरा सही आंसर बताइएगा कि विच वन इज राइट आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अ स्ट्राइन डिपॉजिट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नाउ मूविंग अहेड अगले सवाल में चलते हैं पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्वेज कनाल द्वारा जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जुड़ा हुआ है इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन मेडिटेरियन सी ब्लैक सी मेडिटेरियन सी रेड सी अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन विच वन इज राइट तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है देर इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर देखिए दोस्तों आज का ये जो पेपर था थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रख रखा क्योंकि अभी तक देखो आपने महारत हासिल कर ली थी बहुत सारे सेशन में लगभग सभी लोग सही आंसर कर देते थे है ना और लगभग पचास या साठ क्वेश्चन में आप एटलीस्ट फोर्टी आसानी से कर कर ले जा रहे थे लेकिन ये पैटर्न चेंज करने का सबसे मेन उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा डिफरेंट सवाल अगर आ गए तो आप कैसे डील करेंगे ये मैं देखना चाह रहा था ठीक है अच्छा तो इस क्वेश्चन में जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है थ्री इज द राइट आंसर अब इसमें कुछ क्या देखो ये तो ये जो सारे, सारे सवाल हैं ये तो एकदम मन की आंखों से आपको हो जाएंगे देखो ये है आपकी कौन सी ये दिखाई दे रही है और यहाँ ये है आपका कौन सा ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये पड़ जाएगा रेड सी और यहाँ पे पड़ जाएगा मेडिटेरियन सी और यहाँ पे आप स्वेज कनाल को जोड़ दीजिए है ना इजिप्ट के पास पड़ता है ना इजिप्ट और इजिप्ट ने एक समय बहुत मदद की थी भारत की क्योंकि उसने स्वेज कनाल को ब्लॉक कर दिया था जब भारत ने गोवा पर आर्मी का इस्तेमाल किया ऑपरेशन विजय के तहत और गोवा से पुर्तगालियों को भगाने का प्रयास किया तो पुर्तगाली अपनी बड़ी सेना भारत में भेज रहे थे नेवी सेना को लेकिन कहां से भेजते स्वेज कनाल से तो स्वेज कनाल को जो ब्लॉक करने का काम किया था वो किसने किया था इजिप्ट ने दोस्तों ठीक है और साउथ अफ्रीका से घूम करके वो आ नहीं सकते थे और जब तक आते जब तक भारतीय सेना ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है वन इज द राइट आंसर हैल है बिल्कुल एक समय अभी कुछ समय के लिए चाइना ने ब्लॉक कर दिया था याद है आपको चाइना का एक जहाज था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एवरग्रीन कुछ करके जहाज था चाइना का जो ऐसे तिरछा फंस गया था स्वेज कनाल पर और महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट याद रखिएगा ऑयल रिफाइनरीज और पेपर फैक्ट्रीज ठीक है ना मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ग्रुप ऑफ वर्टी ब्रेड्स कंप्राइजेस द हाइस्ट नंबर ऑफ इन डेंजर्ड स्पेसीज तो कशेरुकियों के किस समूह में लुप्त प्राय जनजातियों की संख्या सबसे बड़ी है पक्षी हैं, ममल्स हैं फिशेस हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं इसमें से सही आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट मम्मल्स इज द राइट आंसर ठीक अगला सवाल हु वाज द फर्स्ट वाइसराय टू यूज पैटरहॉफ शिमला एज द ऑफिशियल रेसिडेंस ठीक है तो पैटरहॉफ पीटर हॉफ शिमला का आधिकारिक निवास के रूप में उपयोग करने वाला पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था यह आपको बताना है लॉर्ड रिपन है लॉर्ड जॉन लॉरेंस है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक है या फिर लॉर्ड एलिग्न है और यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा वो कौन सा है लॉर्ड एलिग्न इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि द दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दामोदर नदी अब आप दामोदर को क्या बोलते हो सोर ऑफ बंगाल बोलते हो इसका जो ओरिजन मिलेगा वो मिलेगा आपको कहां से छोटा नागपुर प्लेट के आसपास से नियर छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर तो इसके नाम पे मत जाइएगा ये भारत का सबसे रिच मिनरल बेल्ट है छोटा नागपुर ठीक है सबसे रिच मिनरल इन बेल्ट तो ये कहां से होता है झारखंड से होता है इसका ठीक है झारखंड से सो so इसका जो यस राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है झारखंड जिसका निर्माण पंद्रह नवंबर 2000 में हुआ था 15 नवंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनजाति गौरव दिवस के तौर पर जाना जाता है करंट अफेयर जो कवर करना है मोहित जी कम से कम छह महीने का जुलाई से या अगस्त से पढ़ना शुरू करिए और जनवरी तक का कर लीजिएगा साथ में बजट का भी पार्ट कर लीजिएगा ठीक है और कम से कम करंट की अगर मैं बात करने जाऊं तो याद रखिएगा दस में से दो तीन क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन डिग्री चैनल तो दोस्तों टेन डिग्री चैनल पढ़ लो चाहे आप टंकन पास के बारे में पढ़ लो चाहे आप पोर्ट बिलियर के बारे में पढ़ लो है ना, चाहे आप सडल पीक के बारे में कर लो सडल पीक के अलावा चाहे आप चाहो तो बैरन आइलैंड के बारे में कर लो है ना, बैरन आइलैंड के बारे में कर लो तो ये जो सा, इसके इन सभी के जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो कौन है यस ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिएगा पूछा जा रहा है फॉलोइंग इवेंट तो निम्नलिखित में से किस प्रसंग के कारण क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था जलियावाला बाग इंसिडेंट ठीक है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट विच वन इज राइट दोस्तों इसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले और पूरी डिटेल में बताई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ अंग्रेजों को डर लगा कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से जापान एक छोटू सा देश सोचिए मतलब जापान ने हालत खराब कर दी थी यूके और रसिया अमेरिका की तो उनको लगा यार भारत तो बहुत बड़ा देश है भारत ने भी मान लो विद्रोह कर दिया तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट अगला सवाल पूछा गया है कि हु सातवाहनाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ बिल्ड देयर कैपिटल सातवाहन जो मौर्या आपने पढ़ी होगी कि ये यह यहाँ पे आती है मौर्य साम्राज्य के बाद तो दोस्तों आपने पढ़े होंगे सबसे पहले मौर्य मौर्य के बाद सुंगा सुंगा के बाद कन्न कन्नु के बाद आपने पढ़े होंगे सातवाहन यही होता है ना हमारा सबसे पहले पढ़ते हैं हरण्य डायनेस्टी हरंगड़ हरण्य के बाद आप पढ़ते हैं कौन सी आ, नागा डायनेस्टी नागा के बाद नंदा नंदा के बाद मौर्य मौर्य के बाद सुंगा सुंगा के बाद कन्न और कन्न के बाद सातवाहन तो इसका जो फाउंडर था जिसका नाम क्या था सुमुख सुमुख वाज़ द फाउंडर और इसी में आपने पढ़ा होगा गौतमी पुत्र सत्कर्णी गौतमी पुत्र सत्कर्णी है ना जो बोलता था मेरा वचन ये मेरा शासन एक राजा के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम था हाला तो ये काफी प्रसिद्ध राजा रहे हुए हैं ठीक है अब देखो इसमें से बहुत सारे लोग नासिक लिख रहे हैं है ना ये बच्चे ना ये बचपन पता नहीं कब खत्म होगा दोस्तों तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी पैठन एक एरिया है महाराष्ट्र का जिसका नाम है पैठन याद रखेगा है ना तो पहले इनकी कैपिटल थी पैठन जिसको प्रतिष्ठानपुर बोला जाता था प्रतिष्ठानपुर आपने सुना होगा एक जो गर्ल्स होती हैं वो जानती होंगी कि जो पैठन की साड़ी होती है पैठनी साड़ी वो बहुत प्रसिद्ध होती है पैठन फिर पैठन से बाद में ये कहां पे चले आए ये बाद में आ जाते हैं दोस्तों अमरावती तो इनकी जो शुरुआती कैपिटल थी वो थी आपकी पैठन या प्रतिष्ठानपुर और बाद में जो कैपिटल है वो पॉपुलर हो जाती अमरावती तो इनकी दो कैपिटल हुआ करती थी ठीक है ना दो कैपिटल हुआ करती थी पहली पैठन या प्रतिष्ठानपुर और दूसरी कैपिटल क्या हुई इनकी अमरावती दोस्तों ठीक है अमरावती विदिशा अगर आप देखेंगे विदिशा जो कैपिटल रहती है ये रहती है सुंगा डायनेस्टी के समय में ठीक है तो जब हम हम लोग पढ़ते हैं पुष्य मित्र शुंगा तो शुंगा डायनेस्टी की प्रमुख लोकेशन रहती है पाटलपुत्र उसके बाद विदिशा और पाटलपुत्र आई होप की आपने पढ़ा होगा कि प्रमुख लोकेशन बन जाती है अशोका के, के समय में पाटलपुत्र ठीक है अगला सवाल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नासिक कभी भी कैपिटल नहीं रही नासिक अगला सवाल है पूछा गया कि विच विद विच स्पोर्ट इज इस गुरुदेव सिंह गिल एसोसिएटेड तो गुरुदेव सिंह जो गिल है वो किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं विच वन इज राइट बॉक्सिंग है रेसलिंग है कुश्ती है या फुटबॉल है और इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर फुटबॉल याद रखिएगा एज करेक्ट तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे पूछा जा रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन कोच अपॉइंटेड टू द इंडिया क्रिकेट टीम तो भारतीय क्रिकेट टीम में निम्न नियु, नियु, नियुक्त पहला विदेशी कोच कौन था यह बताना है सो वन इज राइट आज काफी सारे लोगों के तुक्के गलत हो रहे हैं तो डंकन फ्लेचर हैं, जॉन राइट हैं, ग्रेग चैपल है या गैरी क्रिस्टन है दैट इज अ जॉन राइट इज द राइट आंसर ठीक है जॉन राइट ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द मिडो ऑफ द फ्लावर ठीक है तो निम्नलिखित में से किसे फूलों के चारागा के रूप में जाना जाता है गुलमार्ग है अनंतनाग है पश्मीना है या सोनमार्ग है ये सभी एरिया आपको मिलेंगे कहाँ पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग तो दोस्तों इसको फूलों के चारा गाय के रूप में जाना जाता है ठीक है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गुलमर्ग इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यस ऑप्शन इज राइट अगला पूछा जा रहा है द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉर्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड तो दोस्तों तराइन के आपने तीन युद्ध पढ़े होंगे प्रसिद्ध दो ही है एक ग्यारह दूसरा ग्यारह सो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है फिर एक बारह सौ याद रखे को कुछ पच्चीस के या पंद्रह के आसपास भी होता एक है एक युद्ध है ना में भी पच्चीस के आसपास होता है एक तराइन का तृतीय युद्ध तो ये जो प्रसिद्ध था ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ठीक है मोहम्मद गौरी के बीच में तो पहले युद्ध में आपको मालूम है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ठीक है पृथ्वीराज चौहान साहब थे फर्स्ट में तो इनकी जीत हो जाती है लेकिन जब द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ द्वितीय युद्ध में द्वितीय युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है ठीक है अगला सवाल देखेंगे दोस्तों पूछा जा रहा है कि, uh, की व्यवस्था है जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका हमने जो स्ट्रक्चर लिया है वो लिया फ्रांस से एक जुलाई दो को लागू हुआ एक जुलाई जीएसटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है पांच बारह अट्ठारह अट्ठाईस चार टैक्स स्लैब है इसमें इसके टाइप हैं सी जी एस यूजीएसटी एस आपने पढ़ा होगा ठीक है और राइट uh, आंसर right इसमें कौन सा होगा कनाडा इज द राइट आंसर ऑप्शन फोर इज करेक्ट तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट थीम आपने पढ़ी होगी इसकी अगला सवाल है इंडिया लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो भारत का जो सबसे लंबा केबल सेतु है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया आंध्र प्रदेश में गुजरात में महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में <laughs> इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दरेजा ऑप्शन ठीक है दर्रजा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर गुजरात ठीक है और गुजरात में ही दोस्तों एक घटना घटी थी अगर आप भूल गए हो मोरबी ब्रिज याद है ये घटना एकदम से घटना गायब ही हो गई मतलब एकदम से गायब हो गई मीडिया से कि कौन जिम्मेदार था इस पे किसके खिलाफ एक्शन लिया गया जो वो कंपनी थी जिसने रि, रिनोवेट किया था इस ब्रिज को है ना पूरा का पूरा पुल टूट गया था कितने लोगों की डेथ हुई थी दोस्तों है ना ये पूरा का पूरा गायब हो गया इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं अब अगला सवाल देखेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुलमर्ग हिल, तो हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस तो गुलमर्ग हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करेंगे दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ बायोडीजल्स तो निम्नलिखित में से बायोडीजल के आविष्कारक कौन थे ये पूछा जा रहा है बायोडीजल के आविष्कारक कौन थे तो आर आरसेन डी आरसोनवल है डी वी एस रामास्वामी है और जो दे पेरेंट है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आसाम इज फेमस फॉर इट्स ऑयल रिफाइनरी सभी आसान सवाल कराने लगेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा दैट इज नॉट पॉसिबल है ना तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अ बोंगई गांव इज द राइट आंसर ठीक है बोंगई गांव इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन uh, पूछा गया है कि अरावली रेंजेस आर ग्रेट डिवाइड रेंज बिटवीन जी किसके बीच में पाई जाती है हाँ डिग सुना था ये उसी से ही जुड़ा हुआ है बिल्कुल डिग ऑप्शन में नहीं है लेकिन आसाम तो दिया गया है ना तो आपका ऑयल रिफाइनरी तीन जगह पे ही पाया जाता है एक डिग बोई आसाम है दूसरा आप बॉम्बे हाई के बारे में पढ़ते हैं और एक आपने पढ़ा होगा कौन सा गुजरात वाला एरिया तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान में पड़ती है है ना राजस्थान में पड़ती है इसकी सबसे ऊंची चोटी आप पढ़ते हैं गुरुशिखर और ये ओल्डेस्ट माउंटेन है भारत में रशीडुअल का एग्जाम्पल है और ये इंडस और गंगा के बीच में आप लोकेटेड है ठीक है तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से आपकी गंगा निकल के आ जाती है और इंडस ये इस तरीके से और यहाँ पर आपकी अरावली है ठीक है तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन कौन सा था uh, हो गया था दैट इज ऑप्शन इज राइट ठीक है अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है सैंडलवुड ऑयल इज फेमस इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस तो चंदन का तेल निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध है इनमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे विच वन इज करेक्ट और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर मैशोर इज द राइट आंसर और इसको कई बार हम लोग एक सिटी के बारे में बोलते हैं इसको किस सिटी के तौर पर जाना जाता है मशहूर को कोई बता सकता है इसको हम एक नाम ही देते हैं ना सेंडलवुड सिटी यस नाम ही इसको दिया जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय द हर्षवर्धन हर्षवर्धन दोस्तों आपने पढ़ा होगा महान राजा आखिरी महान हिंदू राजा कन्नौज इसकी कैपिटल थी सबसे पहली कैपिटल थी इसकी कौन सी सबसे पहली कैपिटल थी थानेश्वर फिर बाद में कन्नौज शिफ्ट करता है और यह 606 से लेकर के 647 एडी तक शासन करता है लेकिन बाद में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से पराजित होता है तो इसने तीन लिखे थे रत्नावली लिखा था नागनंदा लिखा था प्रियर्शिका इसकी किताब कौन सी नहीं थी मनोज सुलास तो ये इसकी किताब नहीं थी बाकी तीनों किताबें थी और इसका समकालीन कवि कौन था आपने पढ़ा था बान भट्टा तो बानभट्टा इसके राजदरबार का कवि था और जिसने लिखा था जिसका नाम क्या था हर्षचरित कादंबरी और पार्वती परिणय ठीक है मूविंग अहेड अगले सवाल में चलते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमे क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्पर ठीक है तो पूछा गया है जो चित्रकला है किस राजा के समय में अपने चरमोत् हाँ चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी अकबर जहांगीर औरंगजेब या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं विच वन इज राइट तो दोस्तों जो चित्रकला थी ये अपने बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी किसके समय में जहांगीर तो ये इसका जहांगीर जो वाला है ये इसका कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन द अरेबियन सी तो निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है काफी आसान सवाल है और यस ये आप जानते हो दैट इज अ पेरियार रिवर तो दोस्तों बाकी जितनी भी नदी आप देख पा रहे हैं इसमें सॉरी ताप्ती रिवर जो है ये अरब सागर में गिरती है चाहे कावेरी हो चाहे ब्रह्मपुत्रा हो ये सभी की सभी आप गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल ठीक है ताप्ती हुई नर्मदा हुई ये जितनी भी नदियाँ आपकी पड़ती हैं ना चाहे आपकी माही हो लूनी हो साबरमती हो नर्मदा हो ताप्ती हो है ना मांडवी हो ज्वारी हो सारावती हो पेरियार हो ये सभी अरब सागर में गिरती हैं ठीक है अगला सवाल है कि द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में सबसे कम तापमान देखा जाता है विच वन इज राइट सबसे कम तापमान तो आप कहते हैं कि ये मतलब एकदम ऐसी लेयर होती है फ्रिजिड लेयर होती है फ्रिजिड लेयर और यहाँ पे जो भी मेटेर्स वगैरह होते हैं मेटेर्स या मेटोराइट्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे बर्नअप हो जाते हैं मतलब एकदम से जल करके राख हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्रिक्शन तो ये ये मालूम होना ही चाहिए कौन सी ऐसी लेयर होती है एटमोसफियर की जो हमारी शूटिंग स्टार से रक्षा करती है और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर तो स्ट्राइटो में तो ओजोन पाया जाता है ना ये वाली होती है ये सबसे ज्यादा फ्रिजड होती है और यही हमारी शूटिंग स्टार से मदद करती है दोस्तों ओल्का पिंडो से मदद करती है ठीक है अगला ये वाली जो जितने भी लोग थर्मो को लिख रहे हैं ना थर्मो को थर्मो तो हमारी याद रखेगा साउंड वेव्स यानी कि कम्युनिकेशन में मदद करती है और ट्रोपो सबसे लोअर लेयर होती है ठीक है यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत चेंजेस होते हैं तो, ट्रोपो में तो टेम्परेचर बहुत चेंजेस हैं सभी वातावरण से जुड़ी हुई घटनाएं ट्रोपो में ही होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम पश्चिम में में बहती वन इज राइट बहने वाली नदी गोदावरी बंगाल की खाड़ी तुंग भद्रा ये तो कृष्णा की सहायक नदी है तो दोस्तों ये जो आपकी गोदावरी है ये आती है बंगाल की खाड़ी में और तुंगभद्रा ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कृष्णा जो बंगाल की खाड़ी में जाती है महाबलेश्वर से कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में तो एक ही बच गई पेरियार रिवर पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क पेरियार डैम साथ में सबरीमाला टेम्पल ठीक है ना मूविंग आइट right, पूछा जा रहा है कि द इंडियन स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस तो आपको मालूम है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के एट स्टेट से गुजरती है और ये है ट्वेंटी थ्री वन बाई टू डिग्री नॉर्थ तो दोस्तों बताओ जरा कहाँ से नहीं जाएगी ये बिहार से नहीं जाएगी बाकी तो सभी से जाएगी ना बिल्कुल तो मन की आंखों से देख के बता दो अगला सवाल देख लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहाँ कहाँ से जा रही है देखो जरा मन की आंखों से तो गुजरात से जा रही है राजस्थान से जा रही है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से झारखंड से बंगाल से और त्रिपुरा से भी और मिजोरम से अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 161 किससे किस से जुड़ा हुआ 161 161 में pardon power पावर होती है दोस्तों pardon power पावर आई होप कि आपने सुना होगा pardon power पावर के बारे में पार्डन पावर होती है दो लोगों को एक होती है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति दंड क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 में और एक होती है 161 में गवर्नर को तो 161 में गवर्नर दंड को क्षमा कर सकता है 72 में प्रेसिडेंट ठीक है अगला सवाल है कलकाता बिकम्स द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन तो कोलकाता कब कैपिटल बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी क्लास की टाइमिंग डेली होती है वन टू थ्री और बस ये आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद कंक्लूड करेंगे दोस्तों देखो डेली जो बना है वो आपको मालूम है ये बना 1911 में 1911 में कैपिटल को शिफ्ट किया गया कोलकाता से डेली कोलकाता कब बना तो बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है आपका वो कब आता है सत्रह में और सत्रह में बन गया था कोलकाता कैपिटल तो आपने बक्सर और प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा और जैसे ही अंग्रेजों को दीवानी राइट मिलते हैं तो ये कोलकाता को कैपिटल बना लेते हैं ठीक है तो ये था दोस्तों आज की कक्षा उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो और यस दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं बाकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप का नाम एट द रेट सोश टेक्सट बुक और दोस्तों इस समय चल रही है आपकी कौन सी ये वाली सेल और इस सेल का आप फायदा उठा सकते हैं और यूज कर सकते हैं कूपन कोड यस एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो जो भी आप मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में ले सकते हैं बाकी अभी आपसे मुलाकात होगी हमारी तीन बजे फेसबुक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो एकदम ज्वाइन करिए दोस्तों ठीक है बाकी इसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा हाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड करता हूँ नीरज डेफिनेटली विल ट्राई टू ऐड मोर क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर ठीक है डेफिनेटली हम लोग कल से ही ऐड करना शुरू करते हैं ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सो मच गाइस ठीक है थैंक यू सो मच